हेलो दोस्तों, आज जो हम पनीर बना रहे हैं ना, वो स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही झटपट बन जाती है। इसे बनने में मात्र 5 मिनट का ही समय लगा है और प्रिपरेशन में भी बहुत कम सामान लगा है, इसलिए ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, यानी कि 2 से 3 चम्मच करीब तेल डाला है। 6 से 7 लहसुन और 1 हरी मिर्ची को बारीक काट के डाल दिया है। प्याज को भी मैंने पतले चॉप्ड कर लिया है और 1 शिमला मिर्ची है। तो प्याज मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ का लिया है और 1 शिमला मिर्ची जो नॉर्मल साइज़ होती है ना उसका है। तो इन सबको ना फाइनली चॉप्ड करके एक ही साथ डालकर इसे फुल फ्लेम पर भूनना है। प्याज को हमें गलाना नहीं है, बस इसका थोड़ा सा कलर जब चेंज हो जाएगा ना, बस इतना ही देर। आप देख रहे हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट सारे पनीर को डाल देंगे। तो पनीर को भी इसमें कच्चा ही डालना है, मैंने पहले से नहीं भुना है। पनीर के साथ साथ मैंने 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच चिली सॉस, यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है टोमेटो केचप। और उसके साथ ही अब इसमें इसमें डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर। तो नमक और मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर लीजिए। अब क्या करना है ना, इसको फुल फ्लेम पर ही थोड़ी देर के लिए भून लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा खट्टास जो सॉस वगैरह के जो है ना उसको बैलेंस करने के लिए 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दिया है, जिससे कि इस सब्जी का स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पर इस थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो आप देख रहे हैं इसका कलर भी बहुत ही अच्छे से चेंज हो गया और मात्र 5 मिनट का समय लगा है मुझे इस सब्जी को बनाने में। और आप देखिए कितने कम समय में और कितनी अच्छी सब्जी बनकर हमारी तैयार हुई है। इसका स्वाद बिल्कुल चिली पनीर की तरह स्वादिष्ट होता है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम सामग्री इसमें लगती है और झटपट बन जाती है, तो हमारा काम भी आसान हो जाता है। पनीर की सब्जी अब हमारी बन चुकी है और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। दोस्तों, एक बार आप इस झटपट बनने वाली पनीर की सब्जी को जरूर बनाकर ट्राई करें, आपको इसका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। तो सब्जी को अब चलते हैं सर्व करने के लिए। इस पनीर की सब्जी को आप रोटी पराठों नान किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, ये 5 मिनट में बनने वाली झटपट पनीर की सब्जी अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।